बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज के जो हमारे पर टॉपिक है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज है 2.6, जिसमें हमें कहा गया है राइट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा। इसको सिंपलीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना होगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये 8 आयोटा, माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 21, माइनस का 12 आयोटा। जब ये मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के अंदर ऐड हो सपरेट हो जाएगी, विदाउट आयोटा विद आयोटा। ये प्लस का 10 और माइनस का 21, माइनस का 11, प्लस का 8 आयोटा, माइनस का 12 आयोटा, तो माइनस का 4 आयोटा इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें आप देखेंगे रियल पार्ट और इमेज पार्ट की फॉर्मेशन आ गई है। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या गया है, बाहर माइनस का साइन है तो इस ब्रैकेट्स के अंदर माइनस को अप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस और प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी। इसी तरह जब ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे माइनस का 4 माइनस का 9 आयोटा। जैसे हम माइनस को अप्लाई कर देंगे, अब इसमें ये होगा कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, यानी कि माइनस का 1 बचेगा और कम्प्लेक्स यानी कि आयोटा वाली जो इमेजी पार्ट है इमेजी पार्ट में ऐड हो जाएगा माइनस का 14 आयोटा। ये इसको सिंपलीफाई करने का सिंपल सा आसान सा मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम साथ साथ सिंपलीफाई करेंगे। 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है माइनस 1, इसलिए हम माइनस 1 लिख देंगे। प्लस 6 आयोटा की पावर क्यूब को लिखेंगे आयोटा स्केयर और आयोटा। प्लस 3 आयोटा की पावर 16 को लिखेंगे आयोटा स्केयर इसकी पावर 8। माइनस 6 आयोटा की पावर 19 को लिखेंगे आयोटा की पावर 18 और आयोटा। प्लस 4 आयोटा की पावर 24 और साथ में लिख देंगे आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर जो बड़ी हैं जैसे 2 से बड़ी है तो इवन है तो ठीक है, 2 की मल्टीपल में लिख देंगे, इवन नहीं है तो उसमें एक पावर करके इवन में कन्वर्ट कर देंगे। माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, 1 से जब होगा माइनस 1 से जब मल्टीपल होगा तो माइनस का 2। प्लस का 6 आयोटा की जगह माइनस 1 और साथ में आयोटा। प्लस आयोटा की पर स्केयर की जगह माइनस 1 इसकी पावर ऊपर 8 लिखी, माइनस 6 18 की जगह लिखेंगे आयोटा की पावर 2 इसकी पावर 9 और ये जो आयोटा है वो यहाँ लिख लेते हैं 6 के साथ। प्लस 4 आयोटा की पावर 24 की जगह लिखेंगे 2 और 12 और साथ में आयोटा। माइनस 2 ये जो माइनस 6 और आयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 आयोटा, यहाँ माइनस 1 की पावर एक 8 है यानी कि इवन नंबर है तो ये प्लस होकर 3 हो जाएगा। माइनस का 6 आयोटा माइनस 1 इसकी पावर 9 हो जाएगी क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 है। प्लस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 इसकी पावर जो है 12 और साथ में आयोटा। माइनस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 1 बचेंगे, माइनस 6 आयोटा क्योंकि पावर इसकी 8 है तो यहाँ से माइनस जो आएगा वो प्लस कर देगा 6 आयोटा। प्लस यहाँ क्योंकि पावर माइनस की वैल्यू की पावर इवन है इसलिए माइनस 1 से प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा। प्लस का 6 आयोटा से माइनस का 6 आयोटा कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा। तो ये होगा कि जो आयोटा की पावर हायर पावर्स होंगी उसको आप सिंपलीफाई करते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, इनको हमने सिंपलीफाई करना है, यहाँ आयोटा की फॉर्म नहीं है तो उसको बनाएंगे। 2 माइनस स्केयर रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू आती है तो उसको हम मानते हैं कि वो आयोटा के बराबर है। तो ऐसा करेंगे, ये जो रूट है वो माइनस की भी है और 4 का भी, तो 4 का स्केयर रूट और माइनस 1 का स्केयर रूट को लिख लेंगे। 3 माइनस इसे 4 का स्केयर रूट और माइनस 1 का स्केयर रूट लिख लेंगे। माइनस का मतलब होता है माइनस 1। 2 4 का स्केयर रूट लें तो वो 2 आता है और साथ में आयोटा, क्योंकि हमने देखा है कि माइनस 1 का स्केयर रूट आयोटा के बराबर होता है। इसी तरह 3 माइनस 2 आयोटा, 4 का स्केयर जो होगा वो 2 के बराबर आ जाएगा। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को उठाएंगे और 2 मल्टीपल होगा 3 से, 2 मल्टीपल होगा माइनस 2 आयोटा से, माइनस का 2 आयोटा जब मल्टीपल होगा माइनस का 6 आयोटा,
माइनस का टू आयोटा, जब माइनस के टू आयोटा से होगा तो प्लस का फोर आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है इस वजह से सिक्स, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का टेन आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करने से ये माइनस का फोर हो जाएगा, जिससे सॉल्यूशन बनेगा टू माइनस का टेन आयोटा। इधर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, टू माइनस थ्री आयोटा, ये कंजुगेट लेंगे तो टू प्लस थ्री आयोटा हो जाएगा। अब हम कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, टू को उठाएंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई, सिक्स प्लस फोर आयोटा, ये इसको उठाएंगे तो माइनस का नाइन आयोटा और प्लस माइनस माइनस का सिक्स आयोटा का स्क्वायर, सिक्स ये आयोटा वाली वैल्यू है, ये भी आयोटा है तो माइनस का नाइन आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग माइनस वन पुट करेंगे जिससे ये माइनस जो होगा प्लस का सिक्स हो जाएगा, और सिंपलीफाई करेंगे ट्वेल्व माइनस का फाइव आयोटा इसका सोल्यूशन। ये है इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है इनको कहते हैं सिंपलीफाई करें, या दूसरे अल्फाज में रैशनलाइज करना भी कहते होते हैं, जिनके ओवर से आयोटा की फॉर्म ख़त्म करना। उसके लिए आसान सा मेथड है, टू प्लस थ्री आयोटा डिवाइडिंग बाय फोर माइनस आयोटा, आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। कॉन्जुगेट कोशिश करें नीचे वाली वैल्यू को लेना होता है, क्योंकि नीचे ही आयोटा है जिसको हमने ख़त्म करना है। ये जो टू है ये फोर से होगा, और यही टू आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, थ्री आयोटा फोर से होगा, और यही थ्री आयोटा जब इससे होगा प्लस का थ्री आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखें तो ये फैक्टर जो है वो फोर माइनस आयोटा है, फोर प्लस आयोटा है। जब भी किसी दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो, तो एक नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट हो, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बन जाता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। एट, ये भी आयोटा की वैल्यू, ये भी आयोटा की, दोनों वैल्यू जमा के तो आपस में ऐड होकर फोर्टीन आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर बना था, आयोटा स्क्वायर की जगह होता है माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करने से प्लस का वन हो जाएगा, और ये बच जाएगा ऊपर से हमारे पास 5 प्लस का 14 आयोटा डिवाइडिंग बाय 17, 16 प्लस 1। अब ये 17 5 को अलग से डिवाइड करेगा और 14 को अलग से डिवाइड करेगा, और ये फॉर्मेशन बन गई हमारे पास a प्लस बी आयोटा की, यानी कि सिंपलीफाई हो गया। इस क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का करना है हिसाब किताब, लेकिन इसको है कि स्क्वायर है बैर होल का, तो अंदर सिंपलीफाई करेंगे, वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से, वन प्लस आयोटा और वन प्लस आयोटा, ऊपर का जो स्क्वायर है उसे कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वन को वन से करेंगे, वन को आयोटा से करेंगे, आयोटा वन से भी होगा, आयोटा आयोटा से भी होगा, नीचे क्योंकि दोनों फैक्टर्स एक बार प्लस एक माइनस, वन का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये बन जाएगा होल का स्क्वायर। ये वन, दो आयोटा की वैल्यू है, टू आयोटा हो जाएगी, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन, नीचे वन का स्क्वायर वन होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन आने से ये प्लस का वन हो जाएगा, और इस सारे का स्क्वायर माइनस वन से प्लस का वन ख़त्म हो जाएगा, टू आयोटा डिवाइडिंग बाई टू होल का स्क्वायर, टू से टू ख़त्म हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और उसकी कीमत होती है माइनस का वन। इसी क्वेश्चन के हवाले से या इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन के हवाले से अगर हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।